हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज से हम लोग एक नई सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे 5000 थाउजेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सो आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सो so एक प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें फ़ाइव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सो so, डेली जो है 50 क्वेश्चंस मैं अपलोड करने वाला हूँ एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और ऐस टोटल 5000 थाउजेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम लोग कवर करेंगे सो so, इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन लेथ मशीन सो लेथ मशीन के ऊपर फिफ्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट द वीडियो सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेथ बेड इज यूजली मेड अप ऑफ सो लेथ बेड किस मटेरियल का बना हुआ है ये क्वेश्चन है द इज कास्ट आयरन सो लेथ बेड जो है वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है सो so, ये आपकी लेथ मशीन है और इसमें जो ये पोर्शन है इस पोर्शन को कहेंगे लेथ बेड और ये बना हुआ ये जो है इसका जो मटेरियल है वो होता है कास्ट आयरन नेक्स्ट क्वेश्चन लेथ सेंटर्स आर प्रोवाइडेड विथ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेम्पर टेपर सो लेथ सेंटर मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो है इसे कहते हैं लेथ सेंटर सो so, ये जो है ये है लेथ सेंटर सो so, क्वेश्चन है लेथ सेंटर्स आर प्रोवाइडेड विथ फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर सो so, इसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे टेपर प्रोवाइड किया है सो so, ये कौन सा टेपर है सो द आंसर इज मोर्स टेपर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लेथ ऑपरेशन रिक्वायर्स दैट द कटिंग एज ऑफ द टूल बीट बी प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन द वर्क सेंटर लाइन इसका जो आंसर है वो है फेसिंग सो so, आप देखिए ये फेसिंग ऑपरेशन है और क्वेश्चन जो है कि इसमें से कौन सा ऑपरेशन है जिसमें टूल टिप जो है यहाँ पे आप देख सकते हो टूल टिप ये एग्जैक्टली exactly सेंटर पे रखा जाता है सो so, इसका आंसर है फेसिंग ऑपरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म ऑन लेथ मशीन इसका आंसर है मटेरियल रिमूविंग सो लेथ मशीन में हम लोग क्या करते हैं मटेरियल रिमूव करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो सो so, हम लोग रॉ मटेरियल से मटेरियल रिमूव करते हैं सो लेथ मशीन पे कौन सा ऑपरेशन होता है तो मटेरियल रिमूवल नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द लेथ मशीन इज कॉल्ड एज लाइव सेंटर अब लेथ मशीन के कौन से पार्ट को लाइव सेंटर कहते हैं इसका आंसर है हेड स्टॉक सो आप देखिए ये जो है ये आपका है हेड स्टॉक इसे कहते हैं हेड स्टॉक और ये जो है स्पिंडल है स्पिंडल के ऊपर आपका चक माउंट है ओके okay? सो so, इस पार्ट को कहेंगे लाइव सेंटर और इस पार्ट को कहेंगे डेड सेंटर नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द लेथ मशीन इज कॉल्ड एज डेड सेंटर सो इसका आंसर है टेल स्टॉक सो ये जो पार्ट है इसे कहेंगे टेल स्टॉक और इसे कहेंगे डेड सेंटर क्योंकि रोटेट नहीं होगा और इसे कहेंगे लाइव सेंटर ये आपका रोटेटिंग मेम्बर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड एज इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन इसमें से कौन सा ऑपरेशन है जिसको इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन आप कह सकते हो सो द आंसर इज बोरिंग ऑपरेशन सो आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज में बोरिंग ऑपरेशन सो so, अगर आप यहाँ पे मटेरियल रिमूव कर रहे हैं तो उसे कहेंगे टर्निंग ऑपरेशन एक्सटर्नल टर्निंग लेकिन अगर आप अंदर से मटेरियल इस होल के अंदर से अगर आप मटेरियल रिमूव कर रहे हो तो उसे कहेंगे बोरिंग ऑपरेशन सो उसे वही है इंटरनल टर्निंग ऑपरेशन नेक्स्ट द चक इज़ यूज टू मतलब चक का पर्पज़ क्या है द आंसर इज होल्ड द जॉब पीस सो चक का पर्पज़ जो है ये है आपका फोर्जॉ चक यहाँ पे आपको वर्क पीस को होल्ड करना है सो so, चक का पर्पज़ है

यह है स्टेप टर्निंग यहाँ पे अलग डायमीटर है यहाँ पे अलग डायमीटर है सो बेसिकली टर्निंग ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं डायमीटर रिडक्शन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाय फेसिंग ऑपरेशन वी कैन इसका आंसर है वी कैन रिड्यूस द लेंथ मतलब हम लोग लेंथ रिड्यूस करते हैं सो so यहाँ पे आप फेसिंग ऑपरेशन देख सकते हो सो so ऐसे अगर आप मटेरियल रिमूव करते गए तो इस जॉब का लेंथ कम होगा सो वी कैन रिड्यूस द लेंथ नेक्स्ट विच मशीन टूल इज नोन एज द मदर ऑफ मशीन टूल कौन से मशीन टूल को कहते हैं मदर ऑफ़ मशीन टूल सब सारे मशीन का जनक कौन सा है द आंसर इज लेथ मशीन लेथ मशीन को कहते हैं मदर ऑफ मशीन टूल नेक्स्ट क्वेश्चन लेथ इज प्राइमरीली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग कौन सा फ्लैट कर्फ टेपर नन ऑफ द मैंशन सो द आंसर इज नन ऑफ द मैंशन क्योंकि लेथ मशीन में हम लोग फ्लैट सर्फेस नहीं प्रोड्यूस कर सकते उसके लिए आपको मिलिंग मशीन यूज़ करना होगा ना कि कर और ना ही टेपर इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं सिलेंड्रिकल सरफेस जनरेट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर टर्निंग सो द आंसर इज कटिंग टूल शुड बी हार्डर दैन द मटीरियल ऑफ वर्क पीस अगर आपको कोई भी वर्क पीस का टर्निंग करना है तो कटिंग टूल जो है उसका मटीरियल हार्ड होना चाहिए उस वर्क पीस के मटीरियल के कंपेरिजन में नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैवर्सिंग ऑफ द टूल पैरल टू द एक्सिस ऑफ द जॉब इज टर्म्ड एज सो इसका आंसर बनेगा लॉन्जिट्यूडिनल फीड इस फिगर से आप समझ सकते हो सो so, अगर आपका कटिंग टूल ऐसे ट्रैवल कर रहे हो कर रहा है तो उसे कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल फीड सो अगर टूल का ट्रैवल ऐसे है आपका अलॉन्ग दिस एक्सिस उसे कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल फीड नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ फीड इज नीडेड इन फेसिंग ऑपरेशन फेसिंग ऑपरेशन करते टाइम कौन से टाइप का फीड जरूरी है द आंसर इज क्रॉस फीड सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये यह आपका कटिंग टूल है अगर ये ऐसे मूव होता है तो आप फेसिंग कर पाओगे ये आपका जॉब है टूल को आपको ऐसे मूव कराना पड़ेगा अप टू सेंटर सो दैट इज़ नोन एज फेसिंग सो उसमें आपको कौन सा चाहिए क्रॉस फीड चाहिए द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द लेथ सर्व एज अ हाउसिंग फॉर ड्राइविंग पुलिस एंड बैक गियर ओके इसमें से कौन सा पार्ट है जिसमें ड्राइविंग पुलिस बैक गियर ये सब कुछ रहता है द आंसर इज हेड स्टॉक तो आप देख सकते हो ये इतना बड़ा जो पार्ट है इसे कहते हैं हेडस्टॉक इसमें सारे गियर्स होंगे क्योंकि आपको वर्क पीस को अलग अलग स्पीड पे रोटेट करना है तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द गियर्स इनसाइड द हेड स्टॉक नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग इज यूज फॉर होल्डिंग बोअर्ड पार्ट फॉर मशीनिंग देयर आउटसाइड सर्फेस ऑन अ लेथ ओके okay, अगर आपके पास कोई हॉलो पार्ट है और उसको आपको पकड़ना है तो इसमें से कौन सा डिवाइस कौन सा टूल आप यूज़ करोगे सो द आंसर इज मैंड्रेल सो ये अलग अलग मैंड्रेल है इस मेंट्रेल के ऊपर आप जॉब को रखोगे और फिर उसका मशीनिंग करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलिंग इज़ यूज टू टर्न वेरी लॉन्ग जॉब बिटवीन द सेंटर ऑन ए लेथ मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा एक लॉन्ग जॉब है जैसे पाइप का मशीनिंग अगर आपको करना है तो इसमें से कौन सा यूज़ होता है तो स्टेडी रेस्ट करके एक टूल है एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो आपको यूज़ करना है सो so, इसे कहते हैं स्टेडी रेस्ट अभी देखिए इतना बड़ा पाइप है मशीनिंग करते टाइम ये बेंड हो सकता है तो उसको रेस्ट करने के लिए उसको सपोर्ट देने के लिए स्टेडी रेस्ट यहाँ पे यूज हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन इन लेथ फॉर्म टूल्स आर यूज टू प्रोड्यूस सो लेथ मशीन में फॉर्म टूल का क्या यूज़ है द आंसर इज द सर्फेस विच आर नाइदर सिलेंड्रिकल नॉर टेपर्ड सो so, ऐसे सरफेस अगर आपको मशीनिंग करना है जो कि सिलेंड्रिकल भी नहीं है और टेपर्ड भी नहीं है तो उस केस में आप फॉर्म टूल यूज़ करते हो यहाँ पे देखिए ये जो सरफेस है ना ही सिलेंड्रिकल है ना ही टेपर्ड है तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्म टूल यूज़ किया हुआ है जो कि ब्लैक कलर में यहाँ पर शो किया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑपरेशन परफॉर्म फॉर एनलार्जिंग एन एग्जिस्टिंग होल अप टू ओनली अ लिमिटेड लेंथ फ्रॉम इट्स वन एंड ओके सो so, इसे कहते हैं बोरिंग ऑपरेशन मतलब आपके पास एक पहले से एक जॉब में होल है उसका डायमीटर का आपको एनलार्ज करना है तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बोरिंग ऑपरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन स्विंग डायमीटर ओवर द लेथ इज द ब्लैंक स्पेस डायमीटर ऑफ द वर्क ओवर द बेड सो द आंसर इज लार्जेस्ट डायमीटर सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये लेंथ इसे कहते हैं स्विंग ओवर कैरेज ओके इतने डायमीटर का ही जॉब मतलब इतने रेडियस का ही जॉब हम लोग आ, लेथ मशीन के ऊपर रोटेट कर सकते हैं सो स्विंग डायमीटर आपका क्या होगा द लार्जेस्ट डायमीटर जॉब विच यू कैन मशीन ओवर द लेथ मशीन फिर ब्लैंक स्पेस इज द शेप इन विच द डायमीटर ऑफ बोथ एंड ऑफ द बार इज डिफरेंट ओके ऐसा कौन सा शेप है जिसमें एक बार का डायमीटर दोनों एंड पे अलग अलग रहेगा सो द आंसर इज टेपर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अलग डायमीटर है यहाँ पे स्मॉल डायमीटर है यहाँ पे लार्ज डायमीटर है और डायमीटर ऐसे ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है सो so, इसे कहते हैं टेपर शेप नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेटर वियर ऑकर्स मेनली ऑन क्रेटर वेयर कहाँ पर होता है सो द आंसर इज द फेस ऑफ द कटिंग टूल एट ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द कटिंग एज ओनली सो क्रेटर वियर जनरली जो है फेस के ऊपर होता है कटिंग एज के पास नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ बिहेलिंग शार्प एंड्स ऑफ ए वर्क पीस इज कॉल्ड एज ओके वर्क पीस का अगर शार्प एंड है तो वो हैंडल करते टाइम इंजुरी हो सकती है तो हम लोग क्या करते हैं उसको मशीनिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं चैम्फरिंग वॉट इज द फंक्शन ऑफ कौन पुली इन ड्राइव कौन पुली ड्राइव इन ए लेथ मशीन लेथ मशीन में कौन पुलिस यूज़ होती है उसका क्या फंक्शन है सो so, उसका फंक्शन है चेंज द स्पिंडल स्पीड सो so, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये है कौन पुलिस सो so, आपको वर्क पीस को अलग अलग स्पीड uh, पे रोटेट करना है तो so, यहाँ से आपको ये जो बेल्ट है बेल्ट का पोजीशन अगर आप चेंज करोगे जैसे अगर आप बड़े पुली में उसको फिक्स करोगे वर्क पीस स्लोली रोटेट होगा अगर आप स्मॉलर पुली में उसको फिक्स करोगे वर्क पीस फास्ट रोटेट होगा सो दैट इज द फंक्शन ऑफ योर कौन पुली नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्रोसेस क्वीज मेटल इन टू पिक्स एंड ट्रफ विथ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो लेथ मशीन पे हम लोग करेंगे जिससे एक पैटर्न जनरेट होता है वर्क पीस के ऊपर सो द आंसर इज नर्लिंग यहाँ पे आप देखिए वर्क पीस के ऊपर एक पैटर्न जनरेट हुआ है डायमंड शेप का ओके okay, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है तो so इस प्रोसेस को कहते हैं नर्लिंग प्रोसेस और ये जो है ये है नर्लिंग टूल्स नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री जॉ चक इज ऑल्सो नोन एज थ्री जॉ चक को और दूसरा कौन सा नाम है सो द आंसर इज यूनिवर्सल और सेल्फ सेंटरिंग चक यहाँ पे आप थ्री जॉ चक देख सकते हो सो so इसमें क्या है अगर आप एक भी जॉ अगर टाइट करते हो तो बाकी दो जॉ भी टाइट हो जाती है इसलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल और सेल्फ सेंटरिंग चक वही फ़ोर जॉ अगर चक है तो आपको इंडिविजुअली जॉज को क्लैम करना पड़ता है टाइट करना पड़ता है विच ऑफ द फॉलोइंग चक इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक चक डॉक चक किसे कहते हैं सो द आंसर इज फोर जॉ चक फोर जो चक को हम लोग कहते हैं डॉक चक सो so, यहाँ पे देखिए चार अलग अलग जॉस प्रोवाइड किए इसलिए इसको कहते हैं फोर जॉ चक नेक्स्ट क्वेश्चन टी बोल्ट आर यूज फॉर टी बोल्ट का पर्पज क्या है उसका पर्पज़ है बोथ क्लैंपिंग इ रेगुलर वर्क एंड असेंबलिंग बैलेंस वेट ओके दैट इज द पर्पज ऑफ योर टी बोल्ट विच टाइप ऑफ डायमीटर डज थ्री थ्री जॉ चक होल्ड ओके okay, कौन से टाइप का डायमीटर है जो थ्री जॉ चक होल्ड कर सकता है सो so, आंसर है इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर बोथ ओके सो थ्री जॉ चक में आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जॉब जो है वो आप होल्ड कर सकते हो ये देखिए एक्सटर्नली इसको क्लैम किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जॉ के ऊपर स्टेप्स है उस स्टेप्स के साथ आप इंटरनली भी जॉब को होल्ड कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इन कॉम्बिनेशन चक जॉज में बी एडजस्टेड एज कॉम्बिनेशन चक में जॉज कैसे एडजस्ट होते हैं सो आंसर है आइदर इंडिपेंडेंटली और टुगेदर ओके कॉम्बिनेशन चक जो है उसमें जॉज आप इंडिपेंडेंटली भी एडजस्ट कर सकते हो या फिर सारे एक साथ भी हैंडल कर सकते हो देन वाई ग्रिपिंग मैंडरियल्स आर मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील ग्रिपिंग मैंड्रेल मैंड्रेल जो है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है वो क्यों बनी होती है सो द आंसर इज बोथ टू अवॉइड डिस्टोरशन एंड वियर सो डिस्टोरशन और वियर अवॉइड करने के लिए उसका जो मटीरियल है वो है हाई कार्बन स्टील नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलिंग मैट्रियल आर मोस्ट कॉमनली यूज कौन सी मैंटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आंसर है प्लेन मैंट्रियल सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका plain mandrel है आपका प्लेन मैंट्रेल है ओके ये मोस्टली यूज़ होती है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉर्मूला फॉर कटिंग स्पीड कटिंग स्पीड के लिए कौन सा फॉर्मूला है द आंसर इज कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई इंटू डी इन एन ओके एन इज़ आर पी एम डी इज डायमीटर ऑफ द वर्क और सीएस जो है वो है कटिंग स्पीड सो कटिंग स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है पाई डी एन नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक स्पेस इज द डिस्टेंस ऑफ टूल एडवांस फॉर ईच रिवोल्यूशन ऑफ द वर्क ओके ऐसा डिस्टेंस मतलब एक रिवोल्यूशन में आपका टूल कितना एडवांस होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं फीड ओके okay? फीड यानी क्या अगर आपका आपके जॉब का एक रोटेशन हो रहा है सो ड्यूरिंग दैट रोटेशन आपके कटिंग टूल ने कितना डिस्टेंस वर्क पीस के अंदर ट्रैवल किया वो हो गया फीड यहाँ पे आप देख सकते हो अगर ये जॉब रोटेट हो रहा है तो एक रोटेशन ड्यूरिंग वन रोटेशन इस कटिंग टूल ने कितना जॉब के अंदर uh, ट्रैवल किया दैट इज नोन एज फीड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फीड फीड का यूनिट क्या है सो द आंसर इज एम एम पर रिवोल्यूशन कितना रिवोल्यूशन कितना एम mm उसने एक रिवोल्यूशन में ट्रैवल किया सो एम एम पर रिवोल्यूशन देन द डेफ ऑफ कट इज़ द ब्लैंक स्पेस डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द मशीन सर्फेस टू द सर्फेस ऑफ द वर्क पीस विच इज़ अनकट ओके आंसर है यहाँ पे परपेंडिकुलर सो डेफ्थ ऑफ कट यहाँ पे समझते हैं कि अब जैसे ये हो गया मशीन सर्फेस ये हो गया नॉन मशीन सर्फेस ओके okay. तो so, ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं डेफ्थ ऑफ कट सो द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम मशीन सरफेस टू द सरफेस ऑफ द वर्क पीस उसे कहेंगे डेफ्थ ऑफ कट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फॉर्मूला फॉर मेटल रिमूवल रेट मेटल रिमूवल रेट के लिए कौन सा फॉर्मूला है सो आंसर इज ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी ए क्या हो गया आपका कटिंग स्पीड बी डेफ्थ ऑफ कट और सी फीड सो कटिंग स्पीड इन टू ऑफ कट इन टू फीड डिवाइडेड बाई रिवोल्यूशन वो हो गया मेटल रिमूवल रेट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉर्मूला फॉर मशीनिंग टाइम मशीनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे द आंसर इज एल डिवाइडेड बाई एस इंटू एन वेयर एल लेंथ ऑफ द जॉब एस फीड पर रिवोल्यूशन और एन आर पी एम इससे निकलेगा आपका मशीनिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन इन कंपाउंड स्लाइड मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वेल्ड द आंसर इज टॉप स्लाइड सो अगर आप कंपाउंड स्लाइड मेथड यूज कर रहे हो तो इसमें टॉप स्लाइड को आपको स्वेल करना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन कंपाउंड रेस्ट मेथड द अमाउंट ऑफ टेपर फॉर सेटिंग द एंगल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओके सो एक अगर आपको टेपर करना है जॉब के ऊपर राइट और आप कंपाउंड रेस्ट मेथड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप वो टेपर कैलकुलेट कर सकते हो सो द आंसर इज कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई टू इंटू एल वेयर डी इज द लार्जेस्ट डायमीटर ओके देन स्मॉल डी दैट इज स्मॉलेस्ट डायमीटर डिवाइडेड बाई टू इंटू लेंथ ऑफ द जॉब सो टैन ऑफ द एंगल ऑफ टेम्पर सो टैन थीटा इक्वल टू डी माइनस डी डिवाइडेड बाई टॉइस एल ये आपका फॉर्मूला बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन थ्रेड कटिंग विच टाइप ऑफ फीड मोशन इज पॉसिबल सो थ्रेड कटिंग में हम लोग क्या करते हैं लेथ मशीन पे अगर आपको थ्रेड कट करना है तो हम लोग क्या करेंगे आपका जो कटिंग टूल है या टूल पोस्ट है उसको एंगेज कर देंगे टूल पोस्ट के साथ सो द आंसर इज आइदर एंगेजिंग और डिसंगेजिंग सो थ्रेड कटिंग में हम लोग क्या करते हैं फीड मोशन जो है एंगेजिंग और डिसंगेजिंग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन थ्रेड कटिंग द ब्लैंक स्पेस फीड

आप उसको लॉन्जिट्यूडिनल फीड दे रहे हो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द जॉब वो ट्रैवल करेगा इसलिए इसका आंसर है लॉन्जिट्यूडिनल फीड नेक्स्ट क्वेश्चन द चेजिंग डायल इज माउंटेड ऑन राइट एंड ऑफ द द आंसर इज ऐपरन सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका एपरन है और उसके साइड में यहाँ पे चेजिंग डायल जो है वो माउंट किया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ विथ निगेटिव रेक दिस इज अप्लीकेबल टू ओके कटिंग टूल के रिलेटेड ये क्वेश्चन है सो दिस इज अप्लीकेबल टू कार्बाइड टूल सो so, जो भी टूल कार्बाइड के बने हुए होते हैं उसमें निगेटिव रेक एंगल हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्लस उसका जो स्ट्रेंथ है वो वो बहुत ज़्यादा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टूल मटेरियल हैज़ एक्सेसिव वियर इसमें सबसे ज़्यादा वियर पाया जाता है कौन से मटेरियल में सो द आंसर इज कार्बन स्टील एंड हाई स्पीड स्टील इन दोनों में जो है वियर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इसलिए कार्बाइड टूल्स यूज होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लेथ मशीन कौन सा टाइप है सो बोध कैप्सटन एंटाइट कैप्सटन एंड रेट ये दोनों लेथ मशीन के टाइप है नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिक्स स्टेडी रेस्ट अ अडी स्टेडी अ स्टेडी कैन बी क्लैम्प्ड ओके सो स्टेडी रेट स्टेडी रेस्ट जो है वो कहाँ क्लाइम्ब किया जाता है सो एट एनी डिजायर्ड पोजिशन ऑन द लेथ बेड आप स्टेडी रेस्ट को कहाँ पे भी रख सकते हो आप यहाँ पे रख सकते हो यहाँ पे रख सकते हो या फिर यहाँ पे रख सकते हो सो स्टेडी रेस्ट यू कैन प्लेसड एनी अलोंग द जॉब नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है इन ए फिक्स स्टेडी रेस्ट दिस रेस्ट आर फिक्स्ड एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट टू प्रिवेंट बेंडिंग ऑफ द वर्कपीस पीस ड्यू टू अब जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा है ये यूज होता है स्टडी रेस्ट अब ये क्यों क्यों यूज होता है क्योंकि ये जॉब बेंड हो सकता है अब ये जॉब क्यों बेंड हो सकता है ड्यू टू इट सेल्फ वेट ओके बाकी तो कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है लेकिन सेल्फ वेट के वजह से ही ये बेंड हो सकता है सो so, इसके लिए आंसर बनेगा ओन वेट ओके सो स्टेडी रेस जो है वो बेंडिंग अवॉइड करने के लिए यूज़ होता है और जॉब बेंड क्यों होते हैं ड्यू टू इट्स ओन वेट सो so, ये फिफ्टी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस की है लेथ मशीन के ऊपर सो so, ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है ऐसे अलग अलग वीडियोज़ इस सीरीज़ में आते रहेंगे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारा प्ले चैनल पर जाके विजिट कर लेना और सारे वीडियोज़ इस प्ले लिस्ट के आपने देखना है ताकि आप आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट होगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू